यार आप देखते हैं कि हर एक क्लास टीचर तो देखिए सेम ही पढ़ाता है, बट कुछ बच्चे उसी क्लास में से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली उसमें से थोड़ा कम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे कि पढ़ाने वाला सेम है? आप नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट्स आप देखेंगे बहुत सारे इस बैच में से सिलेक्ट होंगे, टीचर सेम रहेंगे उनके, बट बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस क्रिएट करता है एक टॉपर और एक ड्रॉपर? ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द क्लास। वो कुछ रूल्स ऑफ द क्लास है, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं मेरी बातें ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा एसिमिलेट कर पाएंगे, ज्यादा अपने माइंड में बिठा पाएंगे और डेफिनेटली उसको रिकॉल भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कुछ रूल्स ऑफ द क्लास, कुछ ऐसे गुरु मंत्र, अगर आप जिन्हें फॉलो करेंगे आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपका लेवल जो है और बढ़ता जाएगा। लेट मी टेल यू व्हाट आर दोस रूल्स ऑफ द क्लास। रूल्स टू अटेंड द क्लास, हमेशा जब भी क्लास लेनी हो एक शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन आपने लगा रखे हो, हेडफोन ईयरफोन वट एवर दैट इज पॉसिबल, और हमेशा रेडी रहें अपने कॉपी और पेन के साथ। ऐसा नहीं है कि घर के टीवी में ये क्लास चल रही है, ठीक है, इधर मम्मी सब्जी बना रही है, छोटा भाई खेल रहा है, ठीक है, आपस में कोई बातें कर रहे हैं और उसके साथ क्लास चल रही है, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप सब कुछ समझ आएगा और आप उसको रिकॉल भी ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, नेवर एवर अटेंड ए क्लास फ्रॉम इन बिटवीन और डोंट ज्वाइन ए लाइव क्लास इन द मिडल ऑफ द चैप्टर। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि क्लास से 20 25 30 मिनट बाद आपको याद है ओ भाई वो मेरी क्लास है, क्लास है, क्लास है, आके 30 मिनट बाद से ही क्लास शुरू कर दे। नहीं, उसको शुरू से देखिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मिडल ऑफ द चैप्टर में आके लाइव क्लास अटेंड करना शुरू कर रखें। आज सेकंड क्लास है, पहली क्लास आपने पढ़ी हो, रिवाइज किया हो, नोट्स बनाए हो, फिर उसके बाद सेकंड क्लास को लीजिए। ठीक है, मेक श्योर टू रिवाइज द लास्ट क्लास बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास एंड ऑलवेज कंप्लीट योर होमवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट क्लास को रिवाइज जरूर करके आए, अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करके आए, जिससे आप ज्यादा टॉपिक को रिलेट कर सके। कभी भी चैट के अंदर, चाहे लाइव हो रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, प्लीज, ये जो आप कभी कभी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लैला मजनू की जो स्टोरीज चलने लगती हैं प्लीज उसमें अवॉइड करें, क्योंकि कुछ पर्सन हमेशा हर किसी क्लास में चैट को मॉनिटर करते रहते हैं और वो बच्चों को ब्लॉक कर सकते हैं, इवन सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अपने आप ब्लॉक हो जाओगे, अपने आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा, तो बेटर है कि इन चीजों को अवॉइड करें। क्लास के दौरान मैक्सिमम नोट्स बना लीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ नोट्स रह ही जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा अपने डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बिफोर आस्किंग एनी डाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये चेक कर लें कि आप जो डाउट पूछ रहे हैं पहले वही डाउट किसी बच्चे ने पूछ रखा है कि नहीं पूछ रखा है। मैं आपको एक फैक्चुअल इन्फो देना चाहता हूं, कल आपकी फर्स्ट क्लास थी, मैंने कल रात को ज्यादा नहीं तो शायद 1 या 2 बजे तक बैठ के, 1 बजे तक या 2 बजे तक, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, मैं खुद आपके डाउट्स खुद सॉल्व कर रहा था। आई हैव सॉल्वड मोर देन 120 डाउट्स। ठीक है, 120 या 110 भी, 120 होंगे आई थिंक, यस, हाँ 120 डाउट्स तक मैंने सॉल्व किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कई डाउट्स क्या थे, कॉमन थे। कॉमन मतलब इस बच्चे ने भी यही पूछ रखा है, दूसरे ने भी यही पूछ रखा है, तीसरे ने भी यही पूछ रखा है, मेरे को बार बार उसी चीज का आंसर देना पड़ रहा था। यार इतना जरूर कोशिश कर लें कि अगर पहले जो डाउट्स दे रखे हैं उसको चेक कर लें, अगर उसमें आपका डाउट नहीं है तो देखो नया डाउट पूछिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर आप वो डाउट है तो वहां पर लाइक कर दें, सेम डाउट में जब उसको आंसर मिलेगा तब आपको भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, किया था सर, बिल्कुल जी किया था, तभी बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। इट डजंट मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोशिश करिए बैकलॉग ना हो, कहीं ये आपके ड्रीम कॉलेज में भी आपका बैकलॉग ना बन जाए। ठीक है, एंड वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड द फ्लॉज नेम इज बैकलॉग। व्हाट डू वी से टू बैकलॉग, दैट इज नॉट टुडे, बस आज नहीं होगा। ठीक है, बाकी फिर किसी दिन होगा तो होगा, बट आज नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए 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 चलिए।